हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज फिर तो धीमे धीमे बोले, हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है मंडे, तो आप लोग कैसे हैं? फिलहाल मैं तो ठीक हूँ, आप लोग बताइए कमेंट करके आप लोग कैसे हैं। तो चलिए फिर आज दिन की शुरुआत करते हैं। तो ऑफिस के लिए लेट भी हो रहा है और कपड़े भी प्रेस करने हैं अभी मुझे। आधे अधूरे कपड़े प्रेस हो चुके हैं, लाइट चली गई है, लाइट आ जाए तो फिर कपड़े प्रेस करेंगे, बाहर निकलते हैं ऑफिस के लिए। और मुझे लेट भी हो रहा है, 9 बज गया है, 10 बजे ऑफिस पहुँचना है। और ये हमें लगता है आज पूड़ियाँ बननी है मेरे लिए, लंच में पूड़ियाँ मिलेंगी मुझको। पूड़ी और आलू की सूखी सब्जी। सब्जी कहाँ है? सब्जी बन गई? सब्जी हाँ, मैंने रख दी है। और ये रही मेरी सूखी सब्जी आलू की, और टेस्टी लग रही देखने में काफ़ी। और ये पूड़ी। तो गाइस, आज फिर कल खस्ते खाए थे, आज पूड़ी खाएंगे। और आज दिन का है व्रत, इसलिए पूड़ियाँ बन रही है, तो मैं आज फिर से पूड़ी ही खाऊंगा। तो चलते हैं फिर ऑफिस के लिए, लेट हो रहा है, नहा लेते हैं फिर निकलते हैं ऑफिस के लिए। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। और गाइस, मैं नहा लिया हूँ और ऑफिस के लिए रेडी हो गया हूँ। तो चलते हैं फिर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, सूखी आलू की सब्जी और पूड़ी। उधर मेरी वीडियो अपलोड हो रही है, तो फिर निकलते हैं ऑफिस के लिए क्योंकि लेट भी हो रहा है। मिलते हैं आपको शाम को। गाइस, तो मेरा है आज मंडे का व्रत और मैंने प्लेट तैयार कर ली है। अब मैं आरती करने जा रही हूँ। बाकी की पूजा मैंने यहाँ पर कर दी है, बेलपत्र वगैरह सब चढ़ा दिए हैं। तो चलिए अब आरती कर लेती हूँ। गाइस, तो मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है और ये मैंने कढ़ाई में जीरा और मिर्चा डाला है। अब इसमें डाल देते हैं घी, 1 चम्मच घी, इसलिए क्योंकि फास्ट में घी ही साफ होती है, घर की बनाई हुई होती है। और दूसरी बात, मुझे थोड़ा सा बीपी काफ़ी लो हो रहा था, जिसकी वजह से मुझे इंजेक्शन भी लगे हैं, तो डॉक्टर ने बोला है आप जितना हो सके हेल्दी खाइए। और रही बात वेट की, तो घी या डेयरी प्रोडक्ट खाने से वेट नहीं बढ़ता है, वेट बढ़ता है जब आपका खाना टाइमली नहीं होता है और ऊपर नीचे होता है। तो चलिए, ये यहाँ पर भुन चुका है। अब ये उबले हुए आलू हैं जो कि मैं डालूंगी। इन्हें मैंने उबाल के, छील के और थोड़ा सा हाथ से तोड़ दिया है बस, बाकी कुछ नहीं किया है। और अब मैं इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं करूंगी, बस इसमें व्रत वाला नमक डालूंगी और ये मेरा खाना रेडी हो जाएगा। क्योंकि व्रत है तो सात्विक भोजन ही किया जाता है, ना लहसुन ना मिर्चा। और टमाटर मुझे इसमें अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो पक जाता है, उसके छिलके रह जाते हैं। तो बस यही आलू, इसको मैं बढ़िया से फ्राई कर लूँगी और दही के साथ खाऊँगी। बहुत टेस्टी लगता है गाइज, आप नॉर्मल डेज में भी इसे ट्राई कर सकते हैं। सो गाइज, यहाँ पर मेरा खाना बन के हो गया है रेडी। ये रहा आलू, खीरा, चुकंदर, दही और ये नमक। मान के चलिए अगर ये कुछ 10-19-20 हुआ तो इसमें मैं ऐड कर लूँगी। तो ये रहा मेरा फर्स्ट मील मेरी मंडे व्रत का। और इसके अलावा मैं एप्पल खाऊंगी क्योंकि फ्रूट्स का इंटेक मुझे बढ़ाना है, जिससे मेरे अंदर एनर्जी वगैरह रहे। तो अभी के लिए यही खाना है। तो चलिए फिर लाइक। हेलो दोस्तों, मैं ऑफिस से आ चुका हूँ, बज रहे हैं रात के 9। आज मैं लेट इसलिए हो गया क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया। पर बारिश के मौसम में चाय और पकौड़ी के तो मज़े ही कुछ हैं, और आप लोग तो इन्जॉय कर रहे होंगे। मैं तो लेट हो गया क्योंकि खाना खाने का टाइम हो गया है। पर आज मैं समोसे ले आया हूँ, तो आज मैं चाय और समोसे खाऊँगा। तो देखते हैं चाय बन गई है कि नहीं। शायद भी चाय बन रही है। और इधर मैडम ने चाय चढ़ा दी है, चाय लगभग पक भी गई है। तो चलते हैं फिर चाय और समोसे खाते हैं, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। और मैं आप लोग को एक सीक्रेट दिखाने वाला हूँ, वो है ये। जब मैं नाश्ता करता हूँ तो ये वॉलपेपर लगाता हूँ, और जब मैं खाना खाता हूँ तो ये वॉलपेपर लगाता हूँ। इस टाइप के 4 वॉलपेपर हैं, तो जब जैसा मूड होता है उस हिसाब से मौसम चेंज हो जाता है। और मैडम, मेरा नाश्ता किधर है? धीरे धीरे ले आओ, स्लो मोशन में। ये तो मेरा चार समोसा और चटनी आ गई है। ये है लाल चटनी, ये कड़वी चटनी, ये मीठी चटनी, ये समोसा। तो चलिए फिर नाश्ता कर लेते हैं। और नाश्ता हो गया, ये बना रही हैं रोटियां। तो रोटियां बनने के बाद हम लोग खाएंगे खाना, क्योंकि बजने वाले हैं रात के 10। तो गाइस, बज रहे हैं रात के 10:30 और खाना हो गया कंप्लीट। तो चलते हैं, वीडियो एडिट करते हैं जब तक मैडम किचन से
बर्तन धुल लेते हैं, तब तक मैं वीडियो एडिट कर लेता हूँ क्योंकि सुबह वीडियो भी अपलोड करनी है। और आज की वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।